डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्म की क्वालिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ें खतरनाक है, घातक है, किलर है, जो स्पर्म को, शुक्राणुओं को नष्ट करती हैं। तो इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। जब भी कोई कपल आता है, हम जांच कराते हैं, तो हम बताते हैं कि वाइफ और हस्बैंड की बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वाइफ के टेस्ट हो रहे हैं तो हम हस्बैंड का भी सीमन एनालिसिस कराते हैं। उस सीमन एनालिसिस में हम उनको चेक करते हैं, उसका वॉल्यूम चेक करते हैं, WHO के अकॉर्डिंग सब कुछ है या नहीं है, और इसके बाद हम उस हस्बैंड को बताते हैं कि आपका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। जब हम सीमन एनालिसिस करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है 1.5 ml के करीब होना चाहिए, जो काउंट है वो लगभग 40 मिलियंस होने चाहिए, और उसमें 1/3 जो है वो मोटाइल होने चाहिए। ये हम उनके हस्बैंड को बताते हैं और उनको बताते हैं कि आप क्या ना करें, वो क्या क्या ख़राब बातें हैं, वो 10 खराब बातें जो कि आपके शुक्राणुओं को इफ़ेक्ट कर रही हैं, उनकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहली बात, स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस स्पर्म को देती है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर आप स्मोक कर रहे हैं डेली, तो उससे क्या होता है कि टेस्टिज में स्पर्म प्रोड्यूस हुए, इसके बाद जो फ्री रेडिकल्स हैं वो सब क्या करते हैं, स्पर्म के DNA पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो DNA जो होता है उनका फ्रेगमेंट हो जाता है, स्पर्म का DNA ख़राब होने लगता है, मोटिलिटी ख़राब होने लगती है, तो उससे उसको कंसीव करने में पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेटर है कि आप अपना स्मोकिंग छोड़ें, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा। कई बार हमने देखा है जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं उनका अगर हम DFI DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट, यानी कि स्पर्म का DNA का टेस्ट कराएं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आता है, जो कि ठीक नहीं है, और उससे क्या होता है कि उनकी इनफर्टिलिटी बढ़ती है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, अल्कोहल। जो अगर हस्बैंड अल्कोहल ले रहा है तो उसके स्पर्म पे मल्टीपल वे से इफ़ेक्ट पड़ता है। वो क्या करता है, अल्कोहल की वजह से जो उसके स्पर्म की क्वालिटी तो ख़राब हो ही रही है, मॉर्फोलॉजी ख़राब हो रही है, इसके अलावा मोटिलिटी भी ख़राब हो रही है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो एस्ट्रोजन लेवल जो है उसको इंक्रीज कर देता है। जो भी मेल है उसमें एस्ट्रोजन लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा तो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे कि इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है। तीसरा है ड्रग्स, जैसे कि रिक्रिएशनल ड्रग, मैरिजुना, टोबैको, ये सब अगर लेते हैं तो उससे उस समय उनको थोड़ा वेल्विंग लगती है, पर वो काफ़ी ठीक नहीं है स्पर्म के लिए। वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, स्टीरोइड पैदा करती हैं। जो ये आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन या स्टीरोइड जाते हैं वो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो मेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कम कर देते हैं। आप समझ लो आपने ड्रग ली, तो ड्रग से क्या होता है कि जो आपने आर्टिफिशियल ड्रग ली है वो आपके स्टीरोइड लेवल को हाई कर रही हैं, टेस्टोस्टेरोन को हाई कर रही हैं, तो आपकी बॉडी में बाहर से जो टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, तो जो अंदर जो बॉडी में मेल के टेस्टोस्टेरोन बन रहा था जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, वो कम हो जाता है। तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, मतलब स्पर्म की क्वांटिटी है, वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ये आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। ओबेसिटी, अब मैं बताती हूँ चौथा पॉइंट, ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है कि आपके जो टम्मी है, एब्डोमन है, उसके चारों तरफ काफ़ी फैट इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा जो थाई है उन पे फैट इकट्ठा हो रहा है, प्यूबिक रीजन में फैट इकट्ठा हो रहा है, जिससे टेस्टिकल का हमेशा जो टेम्परेचर है, जो भी आपके स्क्रोटम है उसमें जो टेस्टीज हैं उनका जो टेम्परेचर है वो पूरी बॉडी से 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो स्पर्म ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप ओबेसिटी है बहुत, मतलब कि आपकी थाई भी काफ़ी, थाई पे भी फैट है, प्यूबिक एरिया में भी फैट है, तो आपका क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन नहीं होता उस जगह का, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है स्क्रोटम का, और हाई होने की वजह से, क्योंकि एयर सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा आपकी, उसके बीच में इतना जगह ही नहीं है, थाई इतनी हेल्दी है, प्यूबिक जो है वो फैट है, उस पर लोअर एब्डोमन पे फैट है, उससे आपके जो सेक्सुअल रिलेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, साथ में आपके
जो स्क्रोटम है उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है और स्पर्म प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आप इनफर्टिलिटी आपकी बढ़ जाती है। पांचवा कि आपकी बैड डाइट, कई बार देखा गया है कि जो मेल हस्बैंड्स हैं वो बहुत वर्किंग होते हैं, टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स जैसे पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक ये सब लेते हैं, तो उसमें क्या होता है उनकी शुगर एकदम से हाई होती है और उससे क्या होता है कि उनके जो इस ना हारमोन्स हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं। तो हमेशा उनको बताया जाता है कि आप अच्छी डाइट रहो, रेगुलर डाइट रखो अपनी और फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स और जो नॉर्मल लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है इन सब के फूड लो, मैदा रिफाइंड ऑयल ये सब चीज़ें वो अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। छठा पॉइंट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि जब वो पैदा हुआ था अनडिसेंडेड टेस्टिस था, उसका ऑपरेशन किया गया या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी हुई जैसे कि STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्लेमाइडिया गोनोरिया या कोई भी ऐसी बीमारी या उसकी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि मैंने बताया अनडिसेंडेड टेस्टिस या फिर कोई ट्रॉमा, कोई बॉल लग गई हो, कुछ ना एक्सीडेंट हो गया हो, कोई भी ऐसा है कि उसके स्क्रॉटम पे इफ़ेक्ट पड़ा हो, तो इससे भी क्या होता है कि जो स्पर्म है वो उनका प्रोडक्शन और उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके बाद सातवां पॉइंट है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में हम बात करते हैं वायरल फीवर की, या फिर जैसे कि अभी कोविड आया था तब हमने देखा कि कोविड की वजह से भी जो वायरल इन्फेक्शन इसकी वजह से भी उनकी स्पर्म की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हुई थी। फीवर में क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जब आपका पूरा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरल है कि स्क्रोटम का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा स्पर्म प्रोडक्शन कम होंगे। तो जब आपकी एक्यूट वायरल डिजीज हो रही है, आपको एकदम से एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कोविड हो रहा है, फीवर हो रहा है, कफ हो रहा है, URTI हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म है वो एवरी 3 मंथ्स में रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे कि 72 आवर्स से 90 डेज में दोबारा स्पर्म आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी हुई है, वायरल एक्यूट वायरल इन्फेक्शन हुए हैं, तो आप 3 मंथ्स तक वेट कर सकते हैं, 3 मंथ्स के बाद आपकी स्पर्म की क्वालिटी इम्प्रूव होने लगती है। पॉइंट एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, कई बार देखा गया है कि जो मेल हैं वो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ की हानिकारक केमिकल्स होते हैं, या वो इस ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं जहाँ की आसपास की जो गैस है वो काफ़ी ऐसी हानिकारक होती है, SO2 वगैरह जैसे, तो उसमें क्या होता है कि वो इनहेल भी कर रहे होते हैं, उसी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं या रंग वगैरह बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही घातक केमिकल्स जो होते हैं वो उनकी स्किन के द्वारा या इनहेलेशन द्वारा बॉडी में पहुँचते हैं, और ये केमिकल्स क्या करते हैं फिर आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन में को कम कर देते हैं, जिससे कि आपकी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ जाती है। नौवां पॉइंट है एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसलिए आप जब भी जल्दी ही अपना फैमिली कंप्लीट करने की कोशिश करें, पर आपके सामने अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि अभी आप अपना बच्चा नहीं कर पा रहे हैं या नहीं चाहते हैं तो आप अपने स्पर्म फ्रीज करा सकते हैं। तो यंग एज में जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो हमेशा बेटर होती है, मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है, तो आप उनको 2, 4, 5, 10 जितने भी सालों के लिए है स्पर्म अपना फ्रीज करा लें, ताकि आप जब भी अपनी संतान या अपना बायोलॉजिकल बेबी चाहें तो आप वो फ्रीजिंग स्पर्म को यूज कर सकते हैं। फ्रीजिंग स्पर्म पे आपके एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो आपने यंग एज में फ्रीज कराए हैं। दसवां पॉइंट है जो आपकी स्पर्म की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस। ये देखा गया है कि एक बार मेल पेशेंट्स में भी उनको थायराइड हो जाता है, इसके अलावा उनको जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उनके हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या LH वगैरह भी सही नहीं है तो उनके इजेकुलेशन में इरेक्शन में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन सब का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए, उनको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि जो भी उनके हार्मोनल डिसबैलेंस है उसका प्रॉपर गाइड करके हम उनके स्पर्म की क्वालिटी को उनकी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया 10 बातें, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ओबेसिटी, फूड,
मेडिकल हिस्ट्री, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, हार्मोनल डिसबैलेंस, एज, आप इन सब बातों का ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करें। और इससे भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप सजेशन बॉक्स पर जाके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।